वेल, शुचिता जब से घर से बेघर हुई है उन्होंने अपने ओपिनियंस बहुत ही स्ट्रांगली सामने रखे हैं। अपने जो जो इंटरव्यूज वो दे रही है उनमें उन्होंने अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स, अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है शो के बारे में, कंटेस्टेंट्स के बारे में उन्होंने सामने रखा है। इनफैक्ट जैसे ही वो घर से बेघर हुई तब सरिता मैम ने भी उनका लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ों का उन्होंने वहाँ पर खुलासा किया है। अब आपको बता देते हैं कि टीना के बारे में, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उनके बारे में क्या कुछ चीज़ें कही है। बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं व्हेन इट कम्स टू टीना, कि टीना किस तरीके से गेम खेल रही है, कितनी डोमिनेंट है, इनसिक्योर्ड है, इनसिक्योर्ड कंटेस्टेंट है। और शालीन और सुम्बुल का एंगल उसी ने शुरू किया, उसके बाद उसने दोनों को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की, फिर शालीन को अपने करीब करने की कोशिश की ताकि उसका गेम स्ट्रांग हो। वो अकेली खेल नहीं सकती, उसे कोई ना कोई चाहिए। और उसे जब दिखा कि शिव और स्टैन से कोई भी भाव नहीं मिल रहा था, गौतम से कोई भाव नहीं मिल रहा था, तब वो शालीन के पास चली गई। ऐसी सारी बातें जो है काफ़ी एक्सप्लोजिव बातें की हुई हैं सुजिता ने। तो चलिए आपको बताते हैं और क्या कुछ कहा है शुजिता ने ऑन गेम प्लानिंग ऑफ टीना, और किस तरीके से टीना को लेकर बड़ी बात कही है कि शिव और गौतम के सामने टीना की बिल्कुल भी दाल गली नहीं, और इसीलिए वो शालीन के पास अपने गेम के लिए चली गई। लेट मी टेल यू क्या कुछ कहा है शुजिता ने। मैं वेदांगी करण स्वागत करती हूँ हमारे चैनल फीफा फूस पे। बता दें कि टीना के बारे में बहुत सारी बातें करते वक्त उन्होंने कहा कि टीना ने मेरे बारे में बहुत कुछ चीज़ें बोली है मेरे पीठ पीछे, मैंने एपिसोड्स देखे हैं, निमृत, शालीन, गौतम, इन लोगों ने जब मेरा नाम लिया डिनर पार्टी में सलमान सर के साथ खाने के लिए डिनर, तब टीना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। टीना और गौतम ने मुझे इसके बारे में बाद में बताया, अगर पहले बताया होता तो शायद मैं एक अलग वे में रिएक्ट करती। गौतम अगर मुझे सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे देता तो शायद मैं अपना गेम चेंज कर पाती और मैं ज़्यादा वोकल हो पाती कि वो मेरे बारे में क्या कुछ बोल रही है क्या कुछ नहीं। अगर टीना की बात करें तो आई फील दैट वो कम्प्लीटली एक लव एंगल फेक प्ले कर रही है जस्ट शो में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वो अकेले शो में सर्वाइव नहीं कर सकती। मैं कम्प्लीटली श्योर हूँ कि टीना और शालीन का लव एंगल फेक है और ये वही सोच रहे हैं कि ऑडियंस इसको कभी पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। बट शायद इन्हें नहीं पता, पिछले 16 सीजन से लोग देख रहे हैं और उन्हें पता चल जाता है कि फेक क्या होता है, कैसा होता है, एंड फेकनेस ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता, टूट ही जाता है। पहले टीना ने अपना अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की शिव से अटेंशन नहीं मिला तो गौतम के पास गई, गौतम के बाद अब स्टैन के पास, और अब उसे पता है कि उसका कुछ नहीं हो रहा है कहीं, तो वो शालीन के पास गई, वो उसका लास्ट रिजॉर्ट है, उसके आगे वो कुछ भी बात नहीं कर सकती किसी और से क्योंकि उसे पता है बाकी किसी के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली। वेल, काफ़ी एक्सप्लोजिव बातें शुजिता ने की है। क्या आप शुजिता के थॉट से एग्री करते हो या फिर आपको लगता है नहीं टीना ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, वो अपना अच्छा गेम खेल रही है? आखिर किसके साइड से हो, शुजिता या टीना? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स।